जहरीले शराब से आए दिन लोगों की हत्या मृत्यु, इसको हत्या ही कहिए, मृत्यु होते रहती है, और सरकार इसमें जहरीले शराब से मरने वाले लोगों को कुछ नहीं देती है। नहीं देती है इसका कोई किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहरीला शराब बिकता क्यों, जबकि हर जगह थाना है और सबको पता है कि शराब कहाँ मिलता है, शराब कहाँ मिलता है और कैसे कैसे लोग पीते हैं, ये थाना को पता है, फिर भी शराब मिलता है और लोग पीते हैं और शराब जहरीले शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है। हिंदुस्तान इंफॉर्मेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। लगातार बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर चर्चाएं तेज है। वहीं बता दें आपको कि आज जाप के युवा प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने जहरीली शराब से हुई मौत को लेकर वो पहुंचे थे परिजनों से मुलाकात करने के लिए, जहां पर उनकी परिजन को 15,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी की है। जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने कहा जहरीली शराब बनाने वाले पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। जहरीली शराब से लोगों के मरने का सिलसिला नया नहीं है, आए दिन जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन इसको लेकर शासन प्रशासन का रवैया उदासीन है। उन्होंने कहा कि आखिर जहरीली शराब बिकते क्यों हैं, जबकि स्थानीय थाना को भी पता है कि शराब कहाँ बनता है और कौन बनाता है। इस मामले में प्रशासन के भी चूक उन्होंने बताया है और कहा है कि जिस तरीके से ये घटना घटी है तो ये इसमें पूरी जो गलती है वो पुलिस प्रशासन की है। दरअसल जहरीली शराब बनाने वाले लोगों पर जो है दर्ज हत्या का मुकदमा दर्ज कराने की भी बात कही है। राजू दानवीर ने जहरीली शराब पीने वाले मृतक विजेंद्र राम के परिजनों को 15,000 रुपये की आर्थिक मदद की है। जो जाप युवा प्रदेश अध्यक्ष हैं राजू दानवीर, वो नालंदा के कराय परशुराय गांव में पहुंचे थे, वहां पर ये मामला हुआ था और वहां पर मुलाकात करने के बाद परिजनों से 15,000 रुपये की आर्थिक मदद भी की और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जहरीली शराब बनाने वाले पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए हत्या का। सुनवाते हैं वो पूरा बयान। अभी हम ये कराय परसुराय प्रखंड अंतर्गत सांध गांव में आए हैं। यहाँ के निवासी हैं विजेंद्र राम, जिनका पिछले दिनों जहरीले शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई। जहरीला शराब कांड जो है बिहार में नया नहीं है, बिहार में कई जगहों पर जहरीले शराब से आए दिन लोगों की हत्या मृत्यु, इसको हत्या ही कहिए, मृत्यु होते रहती है, और सरकार इसमें जहरीले शराब से मरने वाले लोगों को कुछ नहीं देती है। नहीं देती है इसका कोई किसी को कुछ नहीं कहना है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहरीला शराब बिकता क्यों है, जबकि हर जगह थाना है और सबको पता है कि शराब कहाँ मिलता है, शराब कहाँ मिलता है और कैसे कैसे लोग पीते हैं, ये थाना को पता है, फिर भी शराब मिलता है और लोग पीते हैं और शराब जहरीले शराब पीने की वजह से मर जाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की भी चूक है, और सबसे बड़ी बात कि जहरीला शराब बनाने वाले लोगों पर हत्या का केस हो, 302 का केस हो, 302 का मुकदमा हो, और सबसे बड़ी बात कि प्रशासन इसमें एक्टिव हो और जितने जगह जहरीले शराब बनते हैं तो सबको नष्ट करे, और जहरीले शराब बनाने वाले लोगों को जो मसालेदार शराब बना रहे हैं शराबबंदी में, उन सबको गिरफ्तार करे और सब पर कार्रवाई करे। यदि प्रशासन चाह जाएगी तो उसके क्षेत्र में जहरीला शराब नहीं बिकेगा। आए दिन लगातार ये घटना बढ़ते रहती है, चाहे छपरा का कांड हो, नालंदा बिहार शरीफ का कांड हो, चाहे अन्य जगहों का कांड हो, लगातार इस तरह की घटना होते रहती है। प्रशासन को इसमें एक्टिव होना चाहिए ताकि आए दिन जहरीले शराब से लोग की मृत्यु ना हो।